हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एसएसटी की क्लास 10th की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 लेके आई हूँ। बच्चों, ये 4 तारीख की आपकी वर्कशीट है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। दो सेक्शन में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड हैं। पहला जो सेक्शन है उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। जो सेकंड सेक्शन है आपका, उसमें 3 मार्क्स के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। पहला सेक्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन मैक्सिको। ओके, इसके ऑप्शन दिए हैं बच्चों 4। ठीक, 4 ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन मिल्पा इज द राइट आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज झूमिंग। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों, और जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, बाय व्हाट नेम इज झूमिंग नोन एज झारखंड। तो ए वाला ऑप्शन है बच्चों, वो राइट आंसर है, कुरुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज झूमिंग प्रैक्टिसाइड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों, ऑल ऑफ दीज, वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज झूमिंग नॉट प्रैक्टिसाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ। तो इसका आंसर है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, राइट आंसर जापान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंशन एनी 3 मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। आंसर है बच्चों, 3 पॉइंट्स में आंसर दिया है मैंने। पॉइंट 1 है, वी शुड यूज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, टीडल एनर्जी एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट है, वी शुड यूज द मीन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। थर्ड है, क्वालिटी एंड एनर्जी एफिशिएंस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शुड बी यूज, फॉर एग्जांपल लेड बल्ब। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। पहला है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। ओके, दिस इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच एग्रीकल्चर इज डन इन अ सिंपल वे विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी टूल्स। ओके, सेकेंड है इंसेंटिव सब्सटेंस फार्मिंग, द एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिसाइड इन द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, इट मेनली प्रोवाइड फूड ग्रेन्स। एंड थर्ड है कमर्शियल फार्मिंग, इन दिस एग्रीकल्चर क्रॉप आर प्रोवाइडेड टू सेल इन द मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इट रिक्वायर्ड मोर मशीनरी एंड कैपिटल। बच्चों, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए 3 पॉइंट काफ़ी होंगे इसके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द जोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। तो आंसर है, राइस के बारे में लिखेंगे, राइस इज ए खारिफ क्रॉप, इट इज अ फूड क्रॉप। अगला इसी में है बच्चों, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट टेम्परेचर वो होना चाहिए 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। सॉइल होनी चाहिए एलुवियल सॉइल। थर्ड है, रेनफॉल होना चाहिए मोर देन 150 cm। फोर्थ, लैंड फ्लैट होना चाहिए। फिफ्थ, लेबर इंटेंसिव क्रॉप। ओके, अगला है इसी में टॉपिक है बच्चों, प्रोडक्शन के कहाँ कहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है। वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, अदर मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट आर यूपी, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाउ कैन यू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज इन योर डेली लाइफ। तो आंसर है, बाईसाइकिलिंग एंड रीयूजिंग मिनरल रिसोर्सेज। सेकेंड है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कैन also be done by improving the technology. Third है, by using other substitutes of non-renewable minerals. Question number 10 है, write a short essay on any rabi crops of India. Answer है, wheat. Wheat is a rabi crop. It is a food crop. Required condition है बच्चों, temperature होना चाहिए 10 से 25 degree Celsius. Alluvial soil. Third है, rainfall 50 to 75 cm, लैंड होना चाहिए फ्लैट, लेबर होनी चाहिए लेस रिक्वायर्ड, इसमें कम लेबर की ज़रूरत होती है। तो प्रोडक्शन इसका कहाँ कहाँ होता है बच्चों, उत्तर प्रदेश रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, अदर मेजर
प्रोड्यूसिंग स्टेट आर मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार एंड राजस्थान। तो ये थी बच्चों आपकी आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।